हाय गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें प्लांट की सिलेक्शन कैसे करनी है, स्पेशली रोज़ प्लांट की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि हम कोई सा भी प्लांट उठा के ले आते हैं और वो हमारे घर पे लाके चलता नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे प्लांट्स हमें लाने हैं। सबसे पहले यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइज, ये प्लांट मेरी मॉम लाई है एक्चुअली। उनको उनको भी पसंद है, तो वो कभी कभी ऐसे प्लांट्स ले आते हैं, तो उनको रोज़ेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो रोज़ेस ले आई है। बट उनको उन्होंने थोड़ी सी गलती की यहाँ पर, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा कि उन्होंने क्या क्या गलती की है। वैसे तो प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है, पर कैसे हमें सिलेक्शन करनी है आज उसकी बात करेंगे। सो गाइज, देखिए यहाँ पर उन्होंने जो इंग्लिश रोज़ेस हैं वो यहाँ पर लाए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक बस कश्मीरी रोज़ या फिर देसी रोज़ है, बाकी 5 रोज़ इंग्लिश रोज़ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सा वाला रोज़ है, मतलब इंग्लिश रोज़ है या फिर देसी रोज़ है, आपको कौन सा वाला चाहिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। देसी वाला थोड़ा सा इजी होता है, इजी टू ग्रो, मतलब इजी टू वो प्रोपगेट भी होता है और अच्छे से वो सर्वाइव कर जाता है। बट इंग्लिश रोज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। सो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इसका ग्राफ्ट होता है, यहाँ पर इसको ग्राफ्ट किया गया है, ये वाला नीचे देसी वाला है, यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया है। और सबसे पहले जो हमें देखने वाली बात होती है तो वो होती है इसके पत्ते हमें देखने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ नहीं है। वैसे ये प्लांट्स मैंने थोड़े दिनों के लिए अपने जो इंडोर बाथरूम है मैंने वहाँ पर रखे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पॉट अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा रखा। इसी वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पीली पड़ी, 4 5 दिन थोड़े से इंडोर रहे इसी वजह से, पर मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था इसी वजह से मुझे रखना पड़ा। और बाथरूम में थोड़ी सी इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती है, बस वही ज़्यादा इसको सनलाइट चाहिए, वरना ये थोड़ा सा चलता नहीं है, मतलब आप ये फुल्ली आउटडोर प्लांट है इसलिए। सो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसकी जो लीफ है ना उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़ हमें देखनी है कि प्लांट एकदम हेल्दी होना चाहिए, मतलब ऐसे मरा मरा, या फिर देखिए यहाँ पर ये प्लांट थोड़ा सा येलो हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इंडोर रहा था, पर मैं फिर भी इसको बचा लूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है ना वो यही याद रखनी है कि बहुत हेल्दी प्लांट होना चाहिए, बिल्कुल भी उस पर कोई कीड़ों का अटैक या फिर पत्तियाँ उसकी गंदी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम से ऐसी ग्रीन और लश ग्रीन ऐसी लीफ होनी चाहिए, तो ही वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे पीला पीला प्लांट नहीं लाना चाहिए। और आपको जो भी अच्छा लगता है ना वो प्लांट उठा लो बस इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी प्लांट्स आ रहे हैं। सो इन प्लांट की प्राइस है 40 रुपीज़, और मतलब मेरी मॉम ने तो यही बोला, शायद 40 रुपी या 50 रुपीज़ में मॉम लाए। ये वाला 50 रुपी का है, बाकी सारे 40 रुपीज़ के हैं। सो उन्होंने बार्गेनिंग काफ़ी अच्छी की है, क्योंकि इतने अच्छे प्लांट्स इतनी कम प्राइस में नहीं मिलते हैं। मैं भी इतने में ही लाता हूँ वैसे, बट बाकी सबको थोड़ा सा महंगा ही देते वो, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। सो यहाँ पर येलो कलर का रोज़ है, इसमें बहुत अच्छी स्मेल है। एक ये वाला रेड वाला है, ये वाला बहुत क्यूट है, और एक ये वाला भी है, ये बहुत मस्त है, बट ये थोड़ा सा अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसको प्रून कर दूंगा। सो लगाने का तरीका कुछ और होता है, मैं बस आपको यही शेयर कर रहा था कि प्लांट हमें कैसे सिलेक्ट करना है। और वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो जाती है ना, इसी वजह से मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे प्लांट्स लाने चाहिए, स्पेशली मैं ये बात बताना भूल गया, देखिए यहाँ पर ग्रोथ हो रही है ना, ऐसे न्यू ग्रोथ वाला लाना चाहिए। ऐसा नहीं लाना चाहिए कि ऊपर से देखो ये ऐसे ब्लैक हो रहा है या फिर यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं लाना चाहिए। ऐसे प्लांट्स लाने चाहिए, देखिए यहाँ पर ये हेल्दी वाला है और ये भी हेल्दी वाला है क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है, ऐसे वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि इसके पॉट और इसके सॉल कैसे में लगाने हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है ना वीडियो, सो इसीलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।